या यू नो अभी इससे पहले हम लोग बैटर्स की बात कर रहे थे, कौन स्टैंड आउट रहा आपके लिए, बट एज अ बोलर इंक्लूडिंग हुसनैन बिकॉज कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे थे, कौन आपको लगा ठीक है ज़ाहिद महमूद ऑल्सो यू नो डिड मेक हेडलाइंस, बट कोई ऐसे यंग बोलर जिसको आपको लगा शुड बी प्लेइंग मोर डोमेस्टिक एटलीस्ट? अहमद दानियाल आए जी इस टूर्नामेंट में, कई मुबस्सिर खान अच्छे आपको यंगस्टर नजर आए, अराफात मेनास ने कल फाइनल में बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उसके अलावा आकिफ जावेद हो गए, ज्यादा बॉलिंग करने का मौका इस टूर्नामेंट में नहीं मिल सका अब्बास आफरीदी को, वो तो वर्ल्ड कप में भी टीम के साथ थे, आकिफ जावेद एक नए रिदम में नए कलर में आपको बॉल डालते हुए दिखाई दिए। ये पाकिस्तान के वो नौजवान क्रिकेटर्स हैं जिनको मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन बात दरअसल यहाँ पर फिर आकर वहीं रुक जाती है कि जहाँ मैंने इन नौजवान खिलाड़ियों की बात की, वहाँ हमने बहुत सारे नौजवान खिलाड़ियों को नज़रअंदाज भी किया। हसीबुल्ला कल आपको खेलते हुए दिखाई दिए, वो इंजर्ड हो गए थे, नहीं खेल पाए थे। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ रोहेल नदीर की, आज अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हम रिजवान के मुतबादल के तौर पर सरफराज को क्यों रखते हैं, जो क्रिटिसिज्म सरफराज के ऊपर होता है कि जी वो अपना प्राइम टाइम गुजार चुके हैं और हम जो है वो रिजवान के मुतबादल के तौर पर किसी नौजवान को लेकर नहीं चलते, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को टीम मैनेजमेंट को इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है कि रिजवान कभी भी बाहर बैठ सकते हैं, और आपने देखा बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में वो कंकशन की वजह से बाहर हुए और आपको फील्ड में सरफराज खेलते हुए दिखाई दिए, और आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें जो कंकशन का रूल आया है, यानी अगर आपका कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है तो उसकी जगह आप दूसरे खिलाड़ी को टीम में इंडक्ट कर सकते हैं। विकेट कीपिंग फुल टाइम जॉब है, विकेट कीपिंग में ये नहीं है कि आपके कोई बॉलर अनफिट हो गया तो आपने किसी और को मौका दे दिया, तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं शान मसूद, जिसको शायद बाकी लोग अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे हैं कि सरफराज टीम में क्यों इस वक्त मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि मुल्तान में क्यों नहीं रखा गया कामरान गुलाम को, तो उसकी बुनियादी वजह यह, अभी मैं दो दिन पहले मुल्तान में ही था, असल में ड्रेसिंग रूम में जगह ही नहीं है, 16 खिलाड़ियों के अलावा आप खिलाड़ियों को रख नहीं सकते, बहुत ज्यादा जो है वहां पर रश हो जाएगा, तो हमने 16 खिलाड़ियों को इसीलिए रखा है। अब सिर्फ एक ही खिलाड़ी के ऊपर डिबेट हो रही है कि तब्दील होगा या नहीं होगा, वैसे तो मेरा ख्याल है शान मसूद ने और जेसन ग्लेस्पी ने बहुत अच्छा डिसीजन किया, अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर मैं उनको कहता हूँ, अच्छा है उनकी फॉर्म आजकल नहीं चल रही लेकिन उनको मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का स्टार है, वो बुरा वक्त उनका चल रहा है, तो आई थिंक उनको एक और मौका मिलना चाहिए, उनको टीम में रखा गया है। अबू हुरैरा को आप किस बुनियाद पर मौका देंगे, बिल्कुल टोटली ऑफ कलर वो नजर आए, लेकिन बहरहाल ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं कुछ ज्यादा तब्दीलियां मैं देख नहीं रहा कि पाकिस्तान टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, मेक और ब्रेक वाली ये सीरीज है, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले ही जो है वो खुर्रम शहजाद अनफिट हो गए थे, वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं थे, तो आई थिंक हेडलाइन ज्यादा नहीं देते शान मसूद आपको, और बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, कैलकुलेटेड अंदाज में जो है वो गुफ्तगू करते हैं, तो हमें उनको मौका देना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम में अगर हम बात करते हैं 16 इनिंग में बाबर आजम रन नहीं कर सके हैं, तो शान ने कैटेगोरिकली कहा है कि जी बाबर आजम से अगर कोई बड़ा बैट्समैन बाहर बैठा तो हम उसको मौका देंगे, सब लड़के वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, उनके अंदर इंपॉर्टेंस आए। आई मीन जैसे हमने जहांदाद की भी बात नहीं की, उन्हें 10 विकेट्स ली थी इन 4 मैचेस, लाहौर कलंदर्स में अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो आपने उनको वहाँ भी यू नो देखा होगा, उनकी इंडक्शन है वो, सो वी वॉन्ट दीज यंगस्टर्स टू प्ले मोर डोमेस्टिक क्रिकेट भट्टी साहब, और ज़्यादा सीरियसली लें, स्पेशली शायद वन चैंपियंस वन डे कप से यही अच्छी बात आ जाए। देखिए फातिमा, एक तो जहांदाद की आपने बात की, एक कल हमने देखा अली रजा और उसके बारे में, फिर शादाब खान ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पोस्ट फाइनल, उसमें भी कहा कि अली रजा भी पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है, और इसके अलावा कल एक रिजवान नाम के बैट्समैन थोड़ी देर के लिए आए लेकिन उनके शॉर्ट्स में हमें नजर आया कि वो अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट का मसला क्या है कि अचानक प्लेयर आता है या तो फिर वो अनफिट हो जाता है जोर लगाते लगाते, या फिर वो सिस्टम से गायब हो जाता है। अब पीसीबी ने उम्मीद दिलाई है कि इन सारे प्लेयर्स को जो जो मेंटोर हैं वो अपने अपने रीजन की अकेडमीज में उनको साथ रखेंगे, उन पे काम करेंगे, तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा फ्यूचर तैयार हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के दो बेहतरीन प्लेयर अगर
पाकिस्तान टीम के साथ रख लिए जाते, ठीक है ड्रेसिंग रूम में जगह नहीं है आप बाहर डगआउट में बिठा देते प्लेयर्स को, उसकी देखें मेहनत का सिला तो मिलना चाहिए। अगर आप इस मुल्तान टेस्ट के दौरान देखेंगे, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पास का रिकॉर्ड देखूं तो जहां भी मैच होता पूरा पीसीबी हेडक्वार्टर वहां आ जाता है। जब पीसीबी के अफसरान आ सकते हैं, मुलाजमीन आ सकते हैं, तो दो प्लेयर्स को भी अगर टीम के साथ रख लें उनकी हौसला अफजाई के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ जब 11 आप मुंतखब कर लें तो दो जो सीनियर है उनको चाहे आप घर भेज दें, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जितने भी हमारे जो ये शान मसूद कहते हैं ना कि न्यूज़ नहीं देते, वो तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि चार रोज़ा क्रिकेट की हमें प्रैक्टिस ही नहीं है। उठा के देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम बांग्लादेश से हारे थे, वकार यूनुस ने ये बात कह दी, इफ्तिखार अहमद ने आज ये बात कह दी, उससे पहले हर आदमी ये कह रहा है, सिवाय क्रिकेट बोर्ड के किसी के समझ में ये बात नहीं आ रही, मतलब क्रिकेट बोर्ड के समझ में नहीं आ रही कि सारे लड़के ये कह रहे हैं कि जी चार रोज़ा क्रिकेट नहीं होती। नंबर वन सरफराज, सरफराज पिछले चार दिन से इंतज़ार में बैठा है कंकशन के, एक दफ़ा गेंद लगा है सरफराज को, उसको चार साल में क्या आप एक विकेट कीपर नहीं बना सकते थे? यानी कि सरफराज का स्टेटस है डी आई जी का। तो सिक्कू भाई यही तो कप्तान कह रहा है कि हमारे पास वो फाइव डे क्रिकेट के लिए कोई फिट विकेट कीपर नहीं है। यार आप रोहेल नजीर को रख लें, आपने सात बेग को सिर्फ वजन उठाने पे गिरा दिया यार। चार साल के अंदर भट्टी साहब, चार साल के अंदर मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोई डीआईजी एसएचओ बनता है? एक डीआईजी की हैसियत थी उसकी, कप्तान जिसने नंबर वन रखा टीम को, उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आपने उसको एसएचओ बना के रख दिया, आपने उसको रिजर्व के अंदर कुर्सी पे बिठा के रखा है। गुड यार, यू कांट डू दैट। चार साल में आप किसी को डेवलप नहीं कर सके, चार साल वो इंतजार में बैठा है कि किसको गेंद लगेगी, दुआएं मांगेगा क्या वो कि इसको गेंद लग जाए तो मैं कंकशन के लिए अंदर जाऊं? यार व्हाट अ, मतलब ये बिल्कुल लेम किस्म का एक्सक्यूज है सर, ये बिल्कुल गलत है। अब तीसरी बात आप क्या कह रहे थे फातिमा, आपने पूछा था देखो, अब तो मैं भी खुद भूल गई आपसे क्या पूछा था। इफ्तिखार ड्रेसिंग रूम में जगह की, मैं न्यूजीलैंड की सीरीज खेल रहे, जब आखिरी सीरीज खेल रहा था तो न्यूजीलैंड के, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये हल्फिया कोई, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा, हम ग्राउंड पहुंचे, पहला टेस्ट में टॉस हुआ, टीम में जी न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी या पाकिस्तान मुझे ये याद नहीं, मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि तीन लड़के न्यूजीलैंड के, चार लड़के ना किट बैग उठा के जा रहे थे, मैंने कहा एक्सक्यूज मी यार आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी हमारा नाम नहीं है इसमें, जो 11 लड़के हैं वो तो खेलेंगे, उन्होंने चार रिजर्व के बुला लिए अंडर 19 के, हम जा रहे हैं डोमेस्टिक खेलने के लिए, ये होती है क्रिकेट। तो मुझे तो बिल्कुल सही लगा इफ्तिखार ने क्या, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए मैं बताऊं, देखिए इसने भी कह दिया कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। अच्छा अब इसने जो सवाल उठाया, मैं उठा रहा हूं कि मोहम्मद हारिस को किस बेस के ऊपर आपने कप्तान बनाया? उसके साथ जो हैं फर्स्ट क्लास मैच हैं, दो तीन उसके वनडे हैं, तीन चार उसके T20, कुछ नहीं किया, 100 कहीं उसके नजर नहीं आ रहे, आपने उसको कप्तान बना दिया। चलिए वो यही कह रहे हैं ना, वो यही तो इफ्तिखार कह रहा है कि किस बेस पे बनाते हैं, वो सही बोल रहा है, क्यों बनाते हैं भाई? ठीक है या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? फातिमा मुझे तो हंसी आ रही है कि इफ्तिखार अहमद साहब ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मीडिया जो है एक परफॉर्मेंस के ऊपर ऊपर लेकर जाता है और एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो आसमान से जमीन पर लेकर आ जाता है। तो मीडिया का काम तो 24/7 रिपोर्टिंग करना है, अच्छी कारकर्दगी को सराहना है और खराब कारकर्दगी पर उंगली उठाना है। तो इफ्तिखार अहमद साहब ये भी बता देते हैं कि जो मौजूदा 2.5 साल से पाकिस्तान टीम खेल रही है उसमें वो कैसे टीम के साथ मौजूद है, वो किस परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में बहुत सारे खिलाड़ी कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं। वो तो खुद अपनी बात को जो है वो कंट्रडिक्ट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अगर परफॉर्मर को टीम में जगह मिलती तो इफ्तिखार समेत बहुत सारे खिलाड़ी की टीम में नहीं होते। उन्होंने बात की कि आप 2 साल की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दीजिए, तो भाई 2 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर ही तो हम बात कर रहे हैं कामरान गुलाम के हवाले से, ये मीडिया ही तो आवाज उठा रहा था फवाद अहलम के बारे में, ये मीडिया ही तो बात कर रहा था रोहिल नजीर के बारे में, ये मीडिया ही तो बात कर रहा था मोहम्मद हसनैन के बारे में। तो इफ्तिखार अहमद साहब अगर मीडिया इतना कुछ बता रहा है तो आप ये जो बात कर रहे हैं आप अपनी चीजों को छुपाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आपको एक बेहतर मौका मिला था अंडर द कैप्टनसी, आप खेल रहे थे ये टूर्नामेंट मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में, जब बहुत सारे खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विथड्रॉ कर लिया टेस्ट टीम के अनाउंसमेंट के ऊपर, तो ये परफॉर्म कर लेते ना। अच्छा अब आप लोग सबसे पूछूंगी, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया, थैंक यू याया फॉर योर इनपुट, के आप लोगों के लिए पूरे चैंपियंस बनने कप में स्टैंड आउट कैप्टन कौन रहा? सिक्कू, जरूरी नहीं कि कंसिस्टेंटली हो सकता है 2-3 अच्छे मैच, कुछ तो गलत कैप्टन बनाए गए थे, नहीं मुझे कोई स्टैंड आउट अच्छा है ही नहीं।
अच्छा देखिए आपने कोई चीज बनाई नहीं, शादाब को आप कह रहे हैं कि उसने दो चैंपियनशिप जीती, सबसे गंदी कप्तानी वो करता है, जब वो आउट करता है उसके पास स्लिप ही नहीं लगाता। अच्छी कप्तानी जिसने की मुझे इमाम लगा, इमाम ने बहुत अच्छी, एक मैच उसकी बैड लक हो गई कि वो बारिश हो गई, मैंने कभी मतलब मैं मेरी कोई उससे रिश्तेदारी नहीं है, मगर फील्ड के अंदर वो मुझे ज्यादा स्मार्टर लगा देन अदर्स। भट्टी साहब देखिए फातिमा, कप्तानों को तो जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो वो रेगुलर कप्तान जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करते हैं, मैं शान मसूद की बात करूंगा, बाबर आजम की बात करूंगा, मैं शाहीन शाह आफरीदी की बात करूंगा, वो तो यहाँ कप्तानी करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन जो थोड़ा सा स्पार्क हमें नजर आया वो मेरे ख्याल में इमाम में नजर आया, अदरवाइज कोई ऐसा कप्तान नहीं था जिसको हम कह सकें कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, यया फॉर यू जो शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि मेरे पास कम टाइम लग गया। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि शादाब खान पहले पीएसएल जीते और अब चैंपियंस कप जीते हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज कहते थे टॉस वाले कप्तान, तो शादाब खान वो कप्तान है जो खिलाड़ियों के पीछे छुपते हैं। इस टूर्नामेंट में भी आप देख लें ना, वो बॉलिंग कर रहे थे ना वो बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। तो बाकी इस टूर्नामेंट में मेंटोर ने जिन लोगों को कप्तान बनाया उनका पाकिस्तान क्रिकेट में कोई फ्यूचर ही नहीं है।